शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। हालात देश के नहीं जाएंगे इसमें और देश ने जो कितना जा रहा देश को नहीं जा रहा कितना जाएगा किसी को नहीं मालूम ऐसे लोग सरकार बैठे था इसलिए हर कांग्रेस बैंक की बीमारी है वो किसी पद पर है अथवा कार्यकर्ता है देश हो या प्रदेश हो चाहे हमारा जिला हो या हमारा गाँव हम सब की बीमारी है कि जो एक बार फैसला हो जाए वो जो उम्मीद है कि फैसले होने के बाद में हम सब मिलते कैसे लागू करें अपने निर्वाचन वाले निभाए और योगदान करें शोषा ने देंगे सगे वापस आए ये जो माहौल बना है भारतीय चुनाव का ज्ञान बना है इस प्रकार के बना है इन सामने जो मैंने तो ये सब लोगों ने कार्यकर्ता ने कर दिए है विधायकों ने कर दिए है मंत्रियों ने कर दिए है सबके निर्णय से चाहे कोरोना आया हो चाहे कोई और चुनौती आएगी कोई कमी नहीं रही प्रदेशवासियों के साथ लेके हम चले हैं इसीलिए आप बाय इलेक्शन में भी आप निश्चय बाय इलेक्शन आप जीते टुकड़े साफ हो गया जमान जब तो भी तीन लोग नंबर पर कुछ अंदाज लगा लीजिए कि अभी लोगों का मूड क्या है उसी रूप में जो हमारे मंत्री बने हैं या पहले थे उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती बहुत बड़ी हमारे बढ़ जाती कई गुना बढ़ जाती क्योंकि जब मंत्री बन जाता है तो पब्लिक की उम्मीद करते भी अपनी भूमिका रूपए निभाएंगे किस प्रकार हम जनता का विश्वास जीते रहे क्षेत्र में या मंत्री बनता हूँ प्रदेश का मंत्री होता है प्रदेशवासी आएंगे उनके पास मिलने के लिए उनके टाइम फिक्स हो कि इस टाइम वो मिलेंगे मिलेंगे घर पर बिना अपॉइंटमेंट के बिना अपॉइंटमेंट के तो टाइम फिक्स हो ऑफिस का टाइम फिक्स हो उनमें ऑफिस मिलेंगे मिलेंगे काम करेंगे अधिकारी और हम मीटिंग रिव्यू मीटिंग करते रहे तमाम काम अगर घर से करेंगे तो पब्लिक मेरा क्या आएगा तो कोई सरकार हमें रोक नहीं सकती कोई मंत्री नहीं मिल पाएंगे लोग सबको उम्मीद होती है जब से ये लिस्ट आई है तब से मेरे पास भी कई टेलीफोन आए हैं कि मिलना है कुछ लोग अरे मार्केट आए हैं अध्यक्ष से मिल रहे हैं हम जानते हो कि भावना क्या है वो भी कोई कम नहीं है जो मंत्री बन गया है उससे दूसरे तो जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी भूमिका भी कम नहीं है जिस प्रकार की शासन में उनकी भूमिका रही है या काम किए उन्होंने हम लोग जब कैशन में थे तब भी काम क्या कमी नहीं रखी चौथी दिन हमारे साथ रहे वो लोग जब इंडिपेंडेंट थे जब बीएसपी आए हुए लोग थे या हमारे कांग्रेस लोग थे उनको कैसे जिंदगी में भूल सकते हैं हम जिस बात के एहसास को दिमाग में रखें पर सोनिया गांधी जी का एक नारा था एक बार यह शरीर में कहा था मैंने कि कार्यकर्ता को चाहिए धैर्य रखे और बड़े मार्मिक शब्द में कहा था जो धैर्य रखता है कभी कभी उनको चार्ज मिलते ही मिलता है ये सभी माने मानता धैर्य रखने पड़ता है सबके फैसले एक साथ हो नहीं सकते ये जो मंत्रिमंडल बना हुआ ये अजय माकन जी जानते हैं प्रियंका जी जानती है या वेणुगोपाल जी जानते हैं या सोनिया जी या राहुल जी जानते होंगे कि किस रूप में राष्ट्रीय चिंता करते थे भविष्य की और कितनी एक्सरसाइज की होगी किस रूप में की होगी महिलाएं भी आए एस टी भी आए एस टी में एस टी का भी भागीदारी हो माइनॉरिटी की भागीदारी भी हो किसान में भागीदारी भी हो सब तरह से निचोड़ कर करके जो फैसला हुआ है वो हम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए सब मिलकर हम लोग चलेंगे बाकी जो बच गए हैं उनको कहीं एडजस्ट भी करवाएंगे सब मिलकर ऐसा माहौल बनाएंगे कि पब्लिक को मालूम पड़ जाए कि इस बार कांग्रेस जो है संकल्प किए हुए हैं तो बार बार जो बदलाव आता है सरकारों में एक बार वहाँ पर रिपीट करके दिखाई कांग्रेस जी हमारी महत्वाकांक्षा मैं उम्मीद करता हूँ कि गुरु जनता आजादी के नेतृत्व में
पूरे कांग्रेस जन जो है राजस्थान के वो सब एकजुट रहेंगे इनके विषय पर, चाहे वो आह्वान करें मीटिंग का, कन्वेंशन का, अधिवेशन का, सिविल का, तो सबको भागीदार बनना है, चाहे एमएलए हो या मंत्री हो। ये अच्छी मीटिंग जो भी तो आज के उधर फ्लैग लिख रहे हैं, फ्लैग लगा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वरना कांग्रेस अधिवेशनों में मंत्री या मुख्यमंत्री हो वो पूरे अधिवेशन में क्या जगह मुझे बैठ जाते हैं, तभी वो आगे बैठेगा मंत्री। कोई प्रोटोकॉल में सब बराबर है, कांग्रेस के अंदर बराबर है। इस रूप में भावना रखती है कांग्रेस की, जो भी करता हूँ कि मेरी भावना समझ रहे हैं, उसी रूप में चलेंगे। एक बात करता हूँ, मैं पुनः बधाई देता हूँ तमाम हमारे साथियों जिनको एक मौका मिला वहाँ पर काम करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को निराश नहीं करेंगे, ये मैं इन सब से चर्चा करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।